जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएसवी आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 8 मिनट के अंदर ऐसे 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी नौकरी का, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%, ऑप्शन नंबर ए। देश में साक्षरता दर 74.04%, जबकि पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है नेल्सन मंडेला का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग होता है नीला रंग, ऑप्शन नंबर ए। मोमबत्ती की लौ में पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र नीला रंग का होता है। यह गर्म ऑक्सीजन युक्त हवा की उपस्थिति के कारण होता है, जो मोमबत्ती के ईंधन के कुशल दहन की अनुमति देता है। नीला रंग इंगित करता है कि लौ का बाहरी क्षेत्र उस तापमान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डैश में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1918 में। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, चीन की मुद्रा का नाम है रिनमिनबी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है? जो हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है वह है चुनहुद्रो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जबकि धोलावीरा गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु का बना होता है? आसान सा प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व बना होता है नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सबसे अधिक योगदान है घरेलू क्षेत्र का, यानी कि परिवारों का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों, वह आंदोलन था चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चंपारण आंदोलन बिहार में 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है सेलुलोज को, जिसे जंतु के द्वारा पचाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध डैश संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया गया था वर्साय की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है वह उपकरण है विद्युत जनित, यानी कि विद्युत जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को भंग कर सकता है? कांच को भंग कर सकता है वह अम्ल हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीत ज्वर डैश के द्वारा फैलता है? पीत ज्वर फैलता है मच्छर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पीत ज्वर एक विषाणु से फैलता है जो एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों ने। 5 भारतीय राज्य हैं जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश में स्थित है? तो दोस्तों, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है गुजरात में, और काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान बताता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15% से अधिक नहीं। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लगभग लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक पतन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है वह प्राकृतिक पतन हो जाएगा मार्मुगुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा वार्षिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ता से बनी है? तांबे और जस्ता से बनी है वह मिश्र धातु हो जाएगा डच धातु, ऑप्शन नंबर डी। डच धातु जिसे डच गोल्ड या कंपोजिशन गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से तांबे और जस्ता से बना एक मिश्रण धातु है। यह लगभग 85% तांबा और 15% जस्ता का मिश्रण धातु है। थैंक यू।